ठंडा मतलब कोका कोला और ये दिल मांगे मोर जैसे विज्ञापन आप नहीं भूले होंगे, लेकिन अगर आप तमिलनाडु में हैं, तो अब आपका इन टैगलाइन से कोई सरोकार नहीं रह गया है। कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पर सालों से पेप्सी कोका कोला जैसे उत्पाद भारतीय बाजारों पर ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बाजारों पर अपना कब्जा बनाए हुए हैं। इसकी वजह से बहुत से लोकल उत्पाद बाजार में कहीं खड़े ही नहीं दिखाई देते। इस परेशानी का हल निकालते हुए तमिलनाडु की दुकानों ने पेप्सी और कोक का बहिष्कार किया है। इस बैन के पीछे सबसे बड़ी वजह स्वदेशी शीतल पेय उत्पादों को बढ़ावा देना है। दरअसल तमिलनाडु ट्रेडर्स फेडरेशन और कंसोर्टियम ऑफ तमिलनाडु ट्रेडर्स ने मिलकर राज्य भर के दुकानदारों से अपील की है कि वो इन प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें। इसके बदले वो काली मार्क, बोवोनोटो और टोरिनो जैसे देशी उत्पादों की बिक्री पर ध्यान देने की तैयारी में हैं। हालांकि ये फैसला आने के बाद दुकानदारों में दो गुट बन चुके हैं। एक गर्मियों के लिए इन प्रोडक्ट्स की खरीदारी से बच रहा है, जबकि दूसरा समूह अपने पास बचे हुए ड्रिंक्स को सस्ते में बेचने के लिए मजबूर है। लेकिन देसी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इसे सराहनीय भी माना जा रहा है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स के इन बड़े उत्पादों से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए पूरी दुनिया रिसर्च में लगी है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पहल के बाद तमिलनाडु की जनता का इसे कितना साथ मिल पाता है। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो संभव है कि इसे पूरे देश में भी लागू किया जाए। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।